दीदी आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा मजाक मत कर, चल मेरे बालों में अच्छी सी कंघी कर दे। नहीं मैं सच कह रही हूँ, आज आप सबसे सुंदर लग रही हो। अगर आज आपको किसी लड़के ने देख लिया ना तो बाय गॉड सच में फ्लैट हो जाएगा आप पर। आज इसका मतलब मैं रोज अच्छी नहीं लगती? नहीं लगती हो, बट आज बहुत खास दिन है ना तो और भी सुंदर लग रही। अच्छा चल कम बोल, जा अपना काम कर, मैं कंघी खुद कर लूंगी। लो कर लो। वाओ, जुल्फ कहूं या घनघोर घटा, इन्हें जरा चेहरे से तो हटा। कुछ कहा आपने? ओ नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे मुंह से निकल गया। क्या मुंह से निकल गया? और यहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हो? क्या हुआ प्रीता दी? ओ, तुम्हारा नाम प्रीता है। आपको मेरे नाम से क्या लेना देना, और वैसे भी सारे गेस्ट ऊपर हैं, तो प्लीज ऊपर जाइए। देखा प्रीता दी, मैंने कहा था ना अगर आज आपको कोई देख लेगा ना सच में फ्लैट हो जाएगा, और देखो हो गया लट्टू। चल चुप कर पागल। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा इतनी रात में गांव में कहाँ जाओगे? तुम्हारे गांव का रास्ता भी खराब है, मैं तुम्हारे पापा को फोन कर देता हूँ, आज रात को तुम यहीं रुको। नहीं अंकल अब टेंशन मत लीजिए, मैं गाड़ी लेकर आया था, आराम से निकल जाऊंगा। बेटा मैं तेरे पापा को क्या जवाब दूंगा? बेटा रात में आया उसको रोका भी नहीं। आप पापा की टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं उन्हें समझा दूंगा। अच्छा बेटा जैसी तेरी मर्जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सूर्य बहुत अच्छा लड़का लगता है, अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया, क्यों बेटा? जैसा आपको ठीक लगे डैडी। ठीक है बेटे। काम धंधा क्या है? काम धंधा तो आजकल बहुत मंदा हो गया है। अरे वो तो सब ठीक है, भगवान सबका काम करे है। और आप बताओ आपके क्या हाल चाल है? ठीक है। अरे राजेंद्र, अरे लेखराज क्या हाल है भाई? बहुत अच्छे हाल है भाई, तू सुना तेरे क्या हाल है? ठीक हूँ भाई। अच्छा जी। अच्छा ठीक है भाई,
और सुना लेखराज। अरे बस काम धाम। अरे बढ़िया राजेंद्र भाई, आओ बैठो। और सुना? बढ़िया भाई, आज कैसे रास्ता भूल गया तू? अरे राजेंद्र, आज तू भूल के तो नागा है। मतलब? मतलब अरे यार, तूने तो बिल्कुल ही आना जाना बंद कर दिया। ऐसी बात नहीं है लेखराज, आजकल यार काम धाम में फुर्सत मिलती किसको है यार। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कैसे हो बेटा? बढ़िया अंकल जी, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा। अरे सूर्य, अपने अंकल के लिए चाय पानी का इंतजाम तो कर। जी अभी लाया। भाई लेखराज, तेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? तूने अपने बेटे को संस्कार बहुत अच्छे दिए। अरे राजेंद्र भाई, ये संस्कार ही तो धरोहर है। पर ये बता, तू कैसे आया? तू तो बिना काम के आने वाला नहीं है ना? सो तो है। ये तो ठीक रहा है। लेकिन मैंने सोचा, क्या भाभी कब तक खाना बनाती रहेगी? उसकी परेशानी तो दूर हो। राजेंद्र, ये तो तूने बहुत लेट सोचा। तुम्हारी भाभी तो रही नहीं। अब क्या हुआ उनको? बस अचानक दर्द हुआ और खत्म। अरे अभी सूर्य कुछ ही दिन पहले पार्टी में आया था, उसने तो कोई जिक्र करा नहीं। बस सूर्य भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं बताता। लेखराज, तू एक काम क्यों नहीं करता? क्या? तू अपने सूर्य बेटी की शादी क्यों नहीं करता? राजेंद्र, कह तो तू ठीक रहा है, पर कोई ढंग की लड़की मिले तब ना। तो मैं अपनी बेटी को भेज दूँ? अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जैसी तेरी बेटी ऐसी मेरी बेटी। पर वो भी कब तक रहेगी? 10 दिन 15 दिन? अरे मैं सारी जिंदगी के लिए भेज देता हूँ ना। अच्छा भाई राजेंद्र, यू तो तू ठीक सोचा तन्ना। भाई मेरे घर में भी बेटी नहीं थी, मेरी बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। और तेरा काम भी हो जाएगा। राजेंद्र, हाँ तो एक काम कर भाई। हाँ। जल्दी से मुहूर्त निकलवाओ। हाँ ये बात तूने पते की कही, मैं आज ही पंडित जी के पास जाकर अभी शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ विवाह का। लो मौज करो। सूरज भाई, दावत में मजा, दिल खुश हो गया। सूरज भाई, घर वाले बहुत सुंदर है तुम्हारी। भाई तू कह तो ठीक रहा, सूर्य भाई की किस्मत खुल गई, बीवी बड़ी सुंदर है। अबे क्या तुम लोगों ने सुंदर सुंदर लगा रखा है, हैं? और तुम लोगों की बीवियां सुंदर नहीं है क्या? क्या हमेशा दूसरों की बीवी पर गिद्ध की तरह नजर रखते हो? और सुधरोगे नहीं तुम लोग, हैं? हमेशा साला यही। क्या सूरज भाई, आज आपकी पहली रात है शादी, और रात भी बहुत हो चुकी है,
आपकी बीवी इंतजार कर रही होगी, आप घर चले जाओ। इंतजार इंतजार, अबे शादी हुई है उससे मेरी। क्या शादी? बीवी बनकर आई है वो मेरी, अब तो उसे घर पे ही रहना, कहीं भाग थोड़ी ना जाएगी। और बीवी का फर्ज है अपने पति का इंतजार करना। अब चाहे मैं घर देर से जाऊं चाहे जल्दी जाऊं, मेरी मर्जी। ओए तू पैक बना। हाँ पैक। जा मूड खराब हो। अभी तो डाली है, ठीक है। जरूरी है भाई, की हो यार। अरे हरा, अरे नहीं थी पीका। हाँ यार। अरे पानी डाल, नशा ज्यादा हो गया। ले पानी। अच्छा दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है, अगर पापा को पता चला तो बहुत मारेंगे। ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग, गुड। और हाँ, आज की पार्टी मेरी तरफ से थी। कल की पार्टी हम देंगे। जी हाँ, कर कल की पार्टी हम देंगे। गुड गुड गुड, कल की पार्टी हम देंगे। ठीक है, कल की पार्टी हम देंगे। तुम जाओ जाओ जाओ। अरे आप आ गए, लगता है आपका
मूड खराब है। है तो आप हमारी इस शादी से खुश नहीं है? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तो आपने मेरी बहुत तारीफ करी थी और आपकी नजरों में मेरे लिए बहुत प्यार भी था, लेकिन अब तो आप मेरे करीब आने तक दूर मुझसे बात तक नहीं करते हैं। तो तुम्हें ये चिंता है कि मैं तुम्हारे करीब क्यों नहीं आ रहा? तो बताओ कितने करीब आऊं? इतना या इतना? जानना चाहती है ना कि मेरा मूड खराब क्यों है? तो सुन, मैं वो भवरा नहीं जो एक कली पर मंडराता रहे। अरे मैं तो वो भवरा हूं जिसे हर रोज नई नई कलियों का रस पीने की आदत है। आजाद परिंदा था मैं, आजाद परिंदा, जिस डाल पर चाहता उस डाल पर बैठता। सोचा था मैंने कुछ दिन तेरे साथ बिताऊंगा, उड़ जाऊंगा, लेकिन तेरे बाप ने आजादी छीन ली मेरी, बांध दिया तुझे मेरे गले से। तो आप इस शादी से इनकार भी तो कर सकते थे। कैसे करना इनकार? हाँ, कैसे करता? पर बीच में तो मेरा बाप बैठा था ना। अपने बाप की नजर में तो मैं न्याय की शरीफ वो लायक बेटा हूं ना, तो कैसे करता इनकार? हो गई है ना, अब तो हमें ये रिश्ता निभाना पड़ेगा ना। ए, ए, ए। तू ना ज्यादा अपना दिमाग मत चला, समझी ना? और अगर ये बात तूने किसी को भी बताई तो मैं उसी दिन तुझे छोड़ दूंगा, ध्यान रखना। लेकिन आप जा कर रहे हैं। सुनिए, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और मैं भी भूल जाऊं। आप अपने लिए ना सही, अपनों के लिए तो रिश्ता निभा लीजिए। देखिए, क्यों ना हम इस जिंदगी की नई शुरुआत करें, और आप मेरे करीब आकर तो देखिए, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। ओ, तो तुझे प्यार की भूख लगी? हाँ, तो चलो आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हारी पूरी भूख मिट जाएगी। प्यार चाहिए? हाँ। ये क्या कर रहे हो आप? क्यों, करीब आ रहा हूं तेरे। प्यार चाहिए ना तुझे? प्यार कर रहा हूं तुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, तुम जानवर हो क्या? अच्छा, तो मैं जानवर हूं? अब बताता हूँ जानवर होते कैसे हैं। करीब आओ, करीब आओ। ले, और कितना करीब आओ? मतलब डर क्यों रही है? इधर आओ।